कमलनाथ जी, अजय टंडन जी, हर्ष यादव जी, रामकृष्ण कुसमरिया जी, प्रताप सिंह लोधी जी, राहुल सिंह जी, तरवार सिंह जी, प्रद्युमन सिंह जी, कांग्रेस के हमारे सारे नेता, स्टेज पे नेता, प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, इतनी गर्मी में आप आए, दूर दूर से आप आए, खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, आपका मैं शुरुआत में ही दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। पांच साल से नरेंद्र मोदी जी वायदे करते जा रहे हैं। पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे। अब नया नारा सुनिए, चौकीदार। अब बीजेपी वालों ने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन को कहा कि राहुल गांधी चौकीदार शब्द का प्रयोग कर रहा है, राहुल गांधी को चौकीदार शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। अब मैं जब चौकीदार बोलता हूं, जनता जवाब देती है, सुनिए, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। अब नरेंद्र मोदी जी को अच्छा नहीं लग रहा। पहले कहा था मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं तो चौकीदार बनना चाहता हूं। अब जब राहुल गांधी कह रहा है भैया चौकीदार, देश कह रहा है चोर है। क्यों कह रहा है देश आज? और आप किसी भी चौराहे में चले जाइए, बुंदेलखंड के किसी भी चौराहे पे चले जाइए, गांव में चले जाइए, शहर में, स्कूल में, कॉलेज में, और यह शब्द बोलिए चौकीदार, जवाब मिलेगा। देखिए चौकीदार, आप कोशिश करिए, जाइए रेसकोर्स रोड के सामने दिल्ली में, आप जाइए बोलिए चौकीदार, जवाब मिलेगा। शायद नरेंद्र मोदी जी के घर के सामने जो सिक्योरिटी वाले खड़े हैं वो कहेंगे चोर है। मैंने अभी कोशिश नहीं की है, मगर मैं गारंटी लेके बोलता हूं, अगर आप रेसकोर्स रोड के सामने चले गए, वो बंदूक लिए जो खड़े रहते हैं सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, उनके सामने आपने बोला चौकीदार, वो कहेंगे चोर है। पूरा देश जानता है क्यों, क्योंकि पिछले पांच साल में नरेंद्र मोदी ने 5,55,000 करोड़ रुपया 15 लोगों का कर्जा माफ किया है, 30,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को राफेल घोटाले में दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आए हमसे मिले और मुझे साफ बोल दिया एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है, सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है, अनिल अंबानी को देना है, हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, फ्रांस में बनेगा, और 1600 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदना है। मैं नहीं बोल रहा हूं भाइयों बहनों, फ्रांस के राष्ट्रपति ने लिखा है, प्रेस को बोला है, और यहां जो युवा आए हैं आप इंटरनेट पे जाइए, हॉलैंड उसका नाम है, टाइप करिए गूगल पे हॉलैंड मोदी राफेल, उस पर आपको दिख जाएगा। तो आपसे चोरी की है, और कम पैसा नहीं चोरी किया है, लाखों करोड़ रुपए आपसे चोरी किए हैं, लाखों करोड़ रुपए। आपसे कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में चौकीदार डालेगा, मैंने तो नहीं बोला था ना पिछले चुनाव में, मैंने तो नहीं बोला ना 15 लाख डालूंगा, नरेंद्र मोदी ने बोला था ना। अरे भैया बुंदेलखंड की जनता थोड़े दम से, नरेंद्र मोदी ने बोला था ना, हाँ। अब मुझे बताओ कितना मिला, कितने रुपए मिले, जीरो। तो कुछ महीने पहले मैंने अपना काम शुरू किया,
मैंने कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, थिंक टैंक को बुलाया, चाय पिलाई और उनसे मैंने कहा, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने देश को 15 लाख का वायदा किया था, झूठ था, मगर देश के गरीब लोगों ने सपना देखा, सपना देखा कि हां सरकार हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकती है। तो मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट से पूछा, मैं हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं। चिदंबरम जी हिल गए, चौंक गए, राहुल जी ये आपने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैं सरकार का पैसा, डायरेक्ट पैसा, वायदा नहीं, रुपया, मैं सरकार का रुपया बुंदेलखंड के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालना चाहता हूं। अब आप मुझे बताइए, मैंने कांग्रेस के थिंक टैंक से पूछा, आप मुझे बताइए कितना डाल सकता हूं? एक शर्त है, नोटबंदी जैसा काम नहीं करना, गब्बर सिंह टैक्स जैसा काम नहीं करना, मैं हर महीने पैसा डालना चाहता हूं। आप पता लगाइए, मेरे लिए पता लगाइए, दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, विज्ञानियों से पूछ लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नंबर चाहिए भाई, मुझे भाषण नहीं चाहिए, वायदा नहीं चाहिए, नंबर चाहिए। कमरे में सन्नाटा, जैसे अभी सन्नाटा। फिर मुझसे पूछते, राहुल जी आप कितने लोगों की बात कर रहे हैं? मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों को दिया ना 5,55,000 करोड़ रुपए, मैं 25 करोड़ को देना चाहता हूं। राहुल जी आपने क्या बोल दिया, 25 करोड़ रुपए को हिंदुस्तान की सरकार पैसे कैसे देगी? मैंने आपसे कहा आप पता लगाओ, 10 रुपए दे पाएगी तो 10 बताओ, 50 दे पाएगी तो 50 बताओ, 100 दे पाएगी तो 100 बताओ, मुझे नंबर दो। अगर नंबर बहुत छोटा है तो नहीं करेंगे, अगर धमाके का नंबर दोगे करेंगे। मैंने कहा उनसे 4 महीने हैं, मुझे प्लानिंग करनी है, मैं ये काम 6 महीने के अंदर शुरू करना चाहता हूं, चुनाव के एकदम बाद मैं काम शुरू करना चाहता हूं। आप जाइए पता लगाइए, वापस आइए, कुछ दिन पहले आते हैं वापस। मुस्कुरा रहे थे, मैंने कहा बताइए नंबर बताइए। बैठे सफेद कागज पे पेन लेकर उन्होंने नंबर लिखा, 72,000। मैंने एकदम पूछा, भैया 72,000 कितने लोगों को, कितने समय में? कहते हैं राहुल जी 72,000 आपने कहा था 25 करोड़ लोगों को, 72,000 25 करोड़ लोगों को एक साल के अंदर। अभी ताली मत बजाइए भैया, मैंने अपना काम खत्म नहीं किया, मैंने कहा एक साल में कुछ नहीं होने वाला गरीब जनता का, एक साल में क्या होगा, एक साल में 72,000 दे दिए तो क्या? कहते हैं राहुल जी एक साल की बात नहीं कर रहे हम। मैंने कहा कितने साल चलेगा? कहते हैं राहुल जी हमने प्लानिंग कर दी है, हिंदुस्तान में जो भी 12,000 रुपए से कम कमाता है महीने का, साल का नहीं महीने का, उसके बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 72,000, 5 साल के 3,60,000 रुपए डालेगी। और उस दिन ही, सुनिए सुनिए, ताली मत बजाइए अभी, मैं खत्म नहीं किया, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन उस व्यक्ति की आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से ज्यादा होगी, उससे पहले नहीं रुकेगा।
मतलब नरेंद्र मोदी आगे पीछे जाते सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, यह है कांग्रेस पार्टी का गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक, एक झटका। अब नरेंद्र मोदी कहते हैं एकदम जैसे जब हमने कर्जा माफ किया था, किसानों का कर्जा माफ किया था यूपीए सरकार में, एकदम खड़े होते कहते भैया पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, भाषणों में कह रहे हैं पैसा कहां से आएगा। मध्यम वर्ग से कह रहे हैं भैया राहुल गांधी तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा निकालेगा। नरेंद्र मोदी जी और प्रेस वाले आप अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी जी पैसा अनिल अंबानी की जेब से निकालूंगा मैं, वो आपका जो दोस्त है ना 30,000 करोड़ रुपए उसके जेब में डाले, जो आपने 35,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया उसका, उसकी जेब में से निकालूंगा। और जनता जानती है, देखो मैं पहला नाम लूंगा आप दूसरा नाम लेना, अनिल, मेहुल, नीरव, विजय, ललित, ये लिस्ट है मेरे पास भाई और बहनों, लिस्ट है लिस्ट, एक एक करके इनके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के न्याय योजना में आपको देने जा रहा हूं, और मैं एक को नहीं छोड़ने वाला हूं। अब इसके पीछे सोच है, अब इसके पीछे सोच है। आप बुंदेलखंड के सबसे गरीब व्यक्ति के पास जाइए, सबसे गरीब व्यक्ति को ढूंढ लीजिए, किसी भी गांव में जाइए, सबसे गरीब व्यक्ति को ढूंढिए और उसके पास जाके आप कहिए देखिए भैया अगर हमने आज आपको बताया, सबसे गरीब व्यक्ति को बोलो ठहर जाओ भैया, सबसे गरीब व्यक्ति के पास जाओ, कहो भैया आज हमने आपको बताया कि कल से आपके बैंक अकाउंट में हर महीना 6,000 रुपए हिंदुस्तान की सरकार डालेगी, 1 साल 72,000, 5 साल 360,000, तो आपको क्या होगा? और बुंदेलखंड का सबसे गरीब व्यक्ति आपको कहेगा भैया मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी, चमत्कार हो जाएगा। अब हम ये एक व्यक्ति के साथ नहीं कर रहे, 25 करोड़ लोगों को न्याय योजना का सीधा फायदा मिलने जा रहा है। अच्छा मैं देख रहा हूं कि महिलाएं भी ताली बजा रही हैं और पुरुष भी ताली बजा रहे हैं। अब जो पुरुष यहां आए हैं मुझसे आप गुस्सा मत होना, मुझसे इरिटेट मत होना, बाद में मत कहना राहुल जी आपने ये क्या कर दिया, मगर 5 करोड़ बैंक अकाउंट में जो पैसा जाएगा माताओं बहनों के खाते में जाने वाला है। ये देखिए अभी हंस रही है, अब इनको मजा आया, देखो देखो कितनी जोरों से हंस रही है, इनके बैंक अकाउंट पे पैसा जाएगा, आपको इनसे बात करनी पड़ेगी, ये आपके बीच में उनके बीच में, मैं सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा, मगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूं, जो पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने उनको दिया उतना ही पैसा मैं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आसमान फट जाए कुछ भी हो, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बहुत कुछ सह लिया पिछले 5 सालों में, हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, बेरोजगार युवा ने, दुकानदारों ने, पहली बार हिंदुस्तान के दुकानदारों को 2 कुल्हाड़ी मारी, एक नोटबंदी इस साइड धाड़, दूसरी गब्बर सिंह टैक्स इस साइड धाड़, हंसते हुए नरेंद्र मोदी मारता है, काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ, कौन से काले धन के खिलाफ लड़ाई, लाइन में कौन सा चोर दिखाई दिया आपको, अनिल अंबानी लाइन में खड़ा था क्या, मेहुल चौकसी लाइन में था क्या, सूट बूट वाले लाइन में थे क्या, बुंदेलखंड में आपने देखा बैंक के सामने बेरोजगार युवा, दुकानदार, किसान, मजदूर, सबके सब ईमानदार लोग
उधर से नरेंद्र मोदी चलाता है काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपके जेब में से पूरा का पूरा पैसा निकाल दिया, पूरा का पूरा, कुछ नहीं छोड़ा, 500 रुपए 1000 रुपए का नोट ले लिया, 5 रुपए का 10 रुपए का नोट आपके जेब में छोड़ दिया। भाई और बहनों, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से पैसा निकाला, जैसे ही, माता जी आपका नाम क्या है? हां, जो पहले हंस रही थी आप, शर्माइए मत, बताइए। हां, कुसुम रानी जी, कुसुम रानी जी, आपने पैसा बचा के रखा था और आपने बिल्कुल सही किया था, अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए आपने रखा था। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे पैसा छीना, कुसुम रानी जी के घर से निकाला, जैसे ही उन्होंने घर से निकाला, शर्मा रही हैं, जैसे ही उनके घर से निकाला, इनके परिवार ने माल खरीदना बंद किया। अभी बोलता हूं, इनके परिवार ने माल खरीदना बंद किया और हिंदुस्तान में ऐसे कुसुम रानी जैसे करोड़ों परिवारों ने पैसा ही नहीं था, माल खरीदना बंद किया, शर्ट पैंट साड़ी जूता घड़ी जो भी, जैसे ही उन्होंने माल खरीदना बंद किया, हिंदुस्तान के दुकानदारों ने माल बेचना बंद किया, जैसे ही दुकानदारों ने माल बेचना बंद किया, फैक्ट्री ने माल बनाना बंद किया, फैक्ट्री ने माल बनाना बंद किया, फैक्ट्रियों के मालिक ने बुंदेलखंड के युवाओं को बुलाया, कहा भैया देखो अब तुम्हारे लिए यहां पे कोई काम नहीं है, वो नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कर दी, गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया, फैक्ट्री बंद है, अब घर जाओ, चलो वापस जाओ बुंदेलखंड, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। भाइयों और बहनों, नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स जी ने सिर्फ इनके परिवार का नुकसान नहीं किया, हिंदुस्तान के हर परिवार का नुकसान किया, हिंदुस्तान के युवाओं की जिंदगी नष्ट की। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज, कारण नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स। 27,000 युवा 24 घंटे में रोजगार खोते हैं, कारण नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स। अब हम न्याय योजना लाए हैं, कुसुम रानी जी के घर में जाएगा पैसा, जनवरी का मैं बता रहा हूं, 6,000 रुपए जनवरी, 6,000 फरवरी, मार्च अप्रैल मई जून दिसंबर तक, फिर अगले साल 6,000। जैसे ही पैसा जाएगा इनका परिवार और ऐसे करोड़ों परिवार माल खरीदना शुरू करेंगे, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, जैसे ही कुसुम रानी जी का परिवार माल खरीदना शुरू करेगा, करोड़ों परिवार माल खरीदना शुरू करेंगे, दुकानदार बेचना शुरू करेंगे, धड़ाधड़ शर्ट बिकेगी, पैंट बिकेगी, जूता, फोन, डार्क ग्लासेस, सब का सब बिकना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बिकना शुरू हो जाएगा, सच्चा मेक इन इंडिया शुरू हो जाएगा, फैक्ट्री चालू हो जाएगी, जैसे ही फैक्ट्रियां चालू होंगी, लाखों करोड़ों युवाओं को उन फैक्ट्री में रोजगार मिलेगा, बुंदेलखंड में लोगों को ढूंढ ढूंढ कर कहेंगे भैया चलो 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 फैक्ट्री में काम करना है, माल बनाना है। एक बार फिर बिकना शुरू हो गया, लोगों ने खरीदी शुरू कर दी, न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करेगी। जैसे डीजल आप लोग आजकल ट्रक में, ट्रैक्टर में डीजल भरते हो ना, दाम कम हो रहा है या ज्यादा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था दाम कम होगा, चौकीदार ने कहा था मुझे चौकीदार बनाओ, 56 इंच की छाती है, पेट्रोल का दाम कम कर दूंगा। अच्छा भैया चौकीदार जी एक बात समझा दो, मुझे समझ नहीं आ रही, दुनिया में पेट्रोल का दाम घटता जा रहा है, यूपीए के समय $140 प्रति बैरल, आज 70 रुपए प्रति बैरल, हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, चौकीदार अपने मित्रों को आपके जेब में से पैसा निकालकर, पेट्रोल का, डीजल का, गब्बर सिंह टैक्स निकाल कर उसी अनिल अंबानी को देते हैं, और वो हवाई जहाज में उड़े भैया, प्राइवेट हवाई जहाज में, और आप लोगों के खेत रात में आप चौकीदारी करो, रात को 3 बजे 4 बजे चौकीदारी करो, आवारा पशु पूरे बुंदेलखंड में सब जगह।
किसान के खेत के सामने चौकीदार दिखा कभी आपको? कभी देखा आपने किसान के घर के सामने चौकीदार देखा? कभी बेरोजगार युवा के घर के सामने देखा? अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार देखे आपने? लाखों। अदानी जी को 6 एयरपोर्ट पकड़ा दिए, लाइन लगी है चौकीदारों की। अनिल अंबानी के घर के सामने लाइन लगी है और उस लाइन में एक चौकीदार है नरेंद्र मोदी, उन्हीं का चौकीदार है। भाई और बहनों, आपका नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, बुंदेलखंड का नहीं। मैं चौकीदार नहीं बनना चाहता, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। आप मालिक हो, मैं आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहता। आप मुझे ऑर्डर दो, राहुल ये करना है, राहुल ये करना है, राहुल ये करना है। मेरा काम आपका हुक्म सुनना है। मैं लाल किले पे जाके ये नहीं बोलूंगा कि भैया मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था ना, कैसे सो रहा था, देश को किसने बनाया? नहीं, नहीं। किसान ने, मजदूर ने, दुकानदार ने, युवा ने, ये माताओं बहनों ने, जरूर कांग्रेस खड़ी थी, जरूर इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, सब थे, मगर देश को देश की जनता बनाती है। भाइयों और बहनों, आपका देश है, हमारा देश है, सबका देश है। तो हमने आपसे बात की, महिलाओं से बात की, मैनिफेस्टो बन रहा था, महिलाओं से, किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से। दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं। किसानों के पास गए हमने, उनसे पूछा भैया बताओ क्या बात। कहते राहुल जी एक बात समझाइए, ये अनिल अंबानी जेल के बाहर है, मेहुल चौकसी बाहर, नीरव मोदी बाहर, इन्होंने बैंक से कर्जा लिया वापस नहीं दिया, ये लोग बाहर। बुंदेलखंड का कोई किसान 5,000 रुपए लेता है, वापस नहीं देता बैंक से, उसको अंदर कर देते हैं। जेल में जाइए देखिए, किसानों की लाइन लगी हुई है। किसी ने 5,000 रुपए लिए, किसी ने 10,000 रुपए लिए, वापस नहीं दिए, सबके सब जेल में। राहुल जी इसके बारे में क्या लगता है आपको? अन्याय है, अन्याय है। तो राहुल जी इसके बारे में आप क्या करोगे, सोचने दीजिए। पता लगाया, मैनिफेस्टो में एक लाइन लिखी है, ऐतिहासिक लाइन, किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया पहले। सुनिए बुंदेलखंड के किसान, आप सुनिए, 2019 के चुनाव के एकदम बाद नया कानून बनेगा, हिंदुस्तान, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश का कोई भी किसान, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, कोई भी भाषा बोलने वाला, कर्ज नहीं लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। आपने हुक्म किया, हमने मैनिफेस्टो में डाला। किसानों ने हमसे कहा भैया एक काम कीजिए, अलग बजट बनाइए, हमें बताइए, साल की शुरुआत में हमें बता दीजिए हमारी सरकार हमारे लिए क्या करेगी। आपने हुक्म दिया, हम करेंगे। अगले साल, इस साल चुनाव जीतने के एकदम बाद दो बजट बनेंगे भाइयों और बहनों, एक नेशनल बजट बनेगा, और मैं आपको स्टेज से गारंटी दे रहा हूं, उससे पहले, उसके बाद नहीं, उसके पहले किसान का बजट बनेगा। नेशनल बजट के समय देखिए, लोकसभा में ऊपर बड़े बड़े उद्योगपति पेन लेके लिखते हैं, हमारा इतना टैक्स माफ हुआ, हमें इतना फायदा मिला। देखा आपने, बैठे रहते हैं, किसानों का बजट होगा, लोकसभा की गैलरी में किसान बैठे दिखेंगे, लिख रहे होंगे कि हाँ हमारे बजट में कांग्रेस पार्टी ने हमारी एमएसपी इतनी बढ़ाई, इतना बोनस दिया, बुंदेलखंड में इस प्रकार के फूड प्रोसेसिंग प्लांट लग रहे हैं, बुंदेलखंड में स्टोरेज की ये फैसिलिटी दी जा रही है, बुंदेलखंड में अगर सूखा पड़ेगा तो बुंदेलखंड के किसान को इतना पैसा मिलेगा। साल की शुरुआत में हम आपको बता देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी, आप अपनी प्लानिंग करो।
चलो युवाओं की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने 22 लाख युवाओं को नहीं, नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, झूठ। न्याय योजना लाखों करोड़ युवाओं को रोजगार देगी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करके, मगर हम वहां नहीं रुकेंगे। मैंने पता लगाया आज की बेरोजगारी में 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी, 22 लाख एक साल के अंदर कांग्रेस पार्टी 22 लाख सरकारी नौकरियां आपके हवाले कर देगी। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी पंचायतों में, बुंदेलखंड की पंचायतों में रोजगार दिलवा देगी। मैं यहां आया था कुछ साल पहले, सूखा पड़ा था, बुंदेलखंड में पड़ा था, उत्तर प्रदेश गया, मध्य प्रदेश गया। याद रखिए, ना उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, ना मध्य प्रदेश में सरकार थी, मगर हम आए और आपने हुक्म किया था, आपने ऑर्डर दिया था, बुंदेलखंड पैकेज मिलना चाहिए। 3,800 करोड़ रुपए हमने सीधा आपको दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जो पिछली सरकार थी उन्होंने इस पैसे का क्या किया? कमलनाथ जी, आप जरा इंक्वायरी कराइए कि 3,800 करोड़ रुपए का जो जनता का बुंदेलखंड का पैसा था वो कहां गया, किसके हाथों में गया? और वही 3,800 करोड़ रुपए निकालकर, उन्हीं चोरों के जेब से निकालकर कमलनाथ जी इनके जेब में डालिए। हां नेता चौकीदार, तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। देखिए, दिल्ली में जो सरकार आएगी कांग्रेस की वो 15-20 लोगों की नहीं होगी। आप मेरा रिकॉर्ड देखो, मनरेगा, भोजन का अधिकार, जमीन अधिकरण बिल, बुंदेलखंड में जमीन छीनी जाती थी 2 मिनट में बिना पूछे, भट्टा परसौल में लड़ाई शुरू की, जमीन अधिकरण बिल लाए, बिना किसान से पूछे जमीन नहीं ली जा सकती, 4 गुना मार्केट रेट से ज्यादा किसान के खाते में जाता है। इस बार 100 दिन का मनरेगा नहीं होगा भाइयों और बहनों, 150 दिन का होने वाला है। तो आप एक बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों की चौकीदारी की। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं किसानों का, मजदूरों का, बेरोजगार युवाओं का, मैं आपका हूं, और जो आप मुझे कहोगे वो मैं करके दिखाऊंगा, और जो मैं नहीं कर पाऊंगा मैं आपको सीधा बता दूंगा, सीधा डायरेक्ट बता दूंगा, भैया 15 लाख आपने मांगा, मैं नहीं कर सकता हूं, मगर मैं 3,60,000 कर सकता हूं। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात की, नहीं, न्याय योजना से हो सकता है 22 लाख सरकारी नौकरियां मैं कर दूंगा। तो यह मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक तरफ अन्याय झूठ, दूसरे तरफ सच्चाई न्याय। कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, और इस बार भाइयों और बहनों, चौकीदार जी का आप चेहरा देखिए, ध्यान से टीवी पे देखिए, चौकीदार हिल गया है, सुकड़ गया है चेहरा, डर डर के बोल रहा है। चौकीदार अब बेरोजगारी की बात नहीं करते, झिझक झिझक के बोलते हैं, उधर टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है,
दो आईने लगे हैं, शीशे लगे हैं, पीछे से कंट्रोलर कहता है मोदी जी बेरोजगारी के बारे में मत बोलो, मोदी जी किसानों की बात मत करना, मोदी जी सिलेंडर की बात गलती से भी मत कर देना, महिलाएं समझ गई बात, आपने केरोसिन छीन ली एक तरफ से दाम बढ़ा दिया, मोदी जी बेरोजगारी की मत करो बात, किसानों की मत करो, नुकसान हो जाएगा, कुछ कहने को नहीं बचा। डबल जीरो हो गया भैया, न्याय योजना आप देखना, न्याय योजना फिर से चालू कर देगी धड़ाक से। तो आप सबसे मैं कहता हूं, गरीबों की, दुकानदारों की, युवाओं की, किसानों की सरकार बनाइए। आप सब दूर दूर से आए, इतनी गर्मी में आपने मेरी बात सुनी, आपने अपना कीमती समय दिया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।